हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी गोभी की रेसिपी जो आपने ना कभी देखी होगी ना ही कभी सुनी होगी और ना ही कभी खाई होगी बहुत ही अमेजिंग वाली और बिल्कुल नए टेस्ट की एक गोभी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है गोभी बर्रा की रेसिपी चिकन बर्रा का नाम आप लोगों ने सुना होगा खाया भी होगा बहुत सारे लोगों ने लेकिन आज उसका मैं गोभी का वर्जन लेकर आई हूँ वेज वर्जन लेकर आई हूँ जो बहुत ही अमेजिंग है खाने में तो प्लीज़ वीडियो में एंट तक बने रहेंगे और चलिए फटाफट फड़ से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं तो इस रेसिपी के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का कॉलीफ्लावर ले करके उसे कट कर लिया है और ये 287 एटी सेवन ग्राम्स हैं मतलब 300 ग्राम से भी कम है तो यहाँ पर इसके बड़े बड़े फ्लोरेट्स में आप इसे काटेंगे और यहाँ पर इसे हमने बॉईल करना है तो मैंने पानी को बॉईल कर लिया था ऐड करेंगे इसमें ये गोभी के फ़्लोरेट्स जो हमने कट करे हैं और यहाँ पर हमने साथ साथ थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करना है ताकि गोभी में एक हल्का सा नमक का टेस्ट आ जाए और इसे हमने कुक करना है जब तक कि ये नाइन्टी टर्न नहीं हो जाते और इसे मैंने दो से तीन मिनट के लिए कुक कर लिया था और ये हमारा ऑलमोस्ट 80 टू 90 परसेंट के बीच में कुक्ड है तो बस इसे निकाल के साइड पे रखते हैं उसके बाद यहाँ पर हमने एक मसाला बनाना है तो मैंने दिया है कॉरियडर लीव्स और ये चॉप करके ऑलमोस्ट वन फोर्थ कप के करीब में होंगे बहुत ही थोड़ा सा लिया है मैंने इसमें हमने डालना है तीन ग्रीन चिलीज़ तीखा कम ज़्यादा अपने मुताबिक कर सकते हैं उसके बाद एक छोटे साइज़ का अनियन लेके उसे मैंने ब्राउन कर लिया था स्लाइस करने के बाद में ये वन फोर्थ कप है ब्राउन अनियन ठीक है उसके बाद इसमें हमने फोर टेबल स्पून कर्ड डालना है और इसका हमने एक पेस्ट बना लेना है ये देखिए ये मैंने इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लिया है इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट वन टी स्पून पाउडर हाफ़ टी स्पून क्यूमिन पाउडर वन टी रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून क्योंकि हमने ग्रीन चिलीज भी ऐड करी है इसलिए तीखा देख करके ऐड करेंगे कश्मीरी चिली पाउडर वन टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर वन टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर वन टीस्पून और यहाँ चाट मसाला लिया है हाफ टी स्पून और यहाँ पर लिया है मैंने सॉल्ट वन टीस्पून से थोड़ा सा कम क्योंकि गोभी में भी हमने सॉल्ट ऐड किया था उसके बाद नींबू का रस लिया है वन टेबल स्पून के करीब में यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा ज़ाफ़रानी कलर थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे जस्ट एक पिंच के करीब में अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को और यहाँ ये हमारा मसाला मैरिनेट बनकर रेडी है इसके अंदर हमने ऐड करना है ये कॉलीफ्लावर जो हमने बॉईल करके रखे थे देखिए बड़े बड़े साइजेस में काटा है मैंने और इस तरह से देखिए प्रेस करी ना तो एक हल्का सा हार्डपन अभी भी मौजूद है तो मतलब 80 टू 90 परसेंट के बीच में हमें ये कुक चाहिए कॉलीफ्लावर तो उतना ही आपने बॉयल करना है इसे हम मैरिनेट में मैरिनेट में ऐड करेंगे अच्छे से इसे कोट कर लेंगे ये देखिए ये हो चुका है अभी हम इसे साइड पर रख देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पर आधे घंटे हो चुके हैं अभी हमने इसे रोस्ट करना है तो इसे के लिए मैंने यहाँ पर पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है जस्ट वन टीस्पून उसके बाद इसे यहाँ पर देखिए ऑयल गर्म हो जाएगा हम ऐड करेंगे ये गोभी के पीसेस ज़्यादा ओवरक्राउडेड नहीं करेंगे गोभी के पीसेस टूटने नहीं, नहीं चाहिए इसके फ्लोरेंस ठीक है तो इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर डालेंगे और जो भी मसाला बच गया है ये मैंने सारा यहाँ पर ऐड कर दिया है और अगर आप गोभी ज़्यादा बना रहे हो तो आप बैचेज में फ्राई करेंगे मेरे पास गोभी कम थी इसलिए मैंने एक बार में ही डाल दिया बस अलट पलट करके मीडियम फ्लेम पर हमने इसे करना है अच्छा सा कलर आने तक थोड़ी देर फ्राई करने के बाद में इस तरह से गोभी के ऊपर हल्का हल्का सा कलर भी आ जाएगा सारे मसाले ड्राई हो चुके होंगे तो बस यहाँ पर ये गोभी हमारे डन है साइड पे रखते हैं और अभी हमें ना इस गोभी को थोड़ा सा एक चारकोल का इफेक्ट डालना है तो जैसे चारकोल में ग्रिल करते हैं तो वो कैसा एक टेस्ट आता है वैसा इफ़ेक्ट लाना है तो इसलिए मैं यहाँ पर देखिए एक जाली रख करके गैस के ऊपर इसे अलट पलट करके हल्का सा सेक लूँगी हल्का हल्का सा इस तरह से ब्लैक ब्लैक कलर आने तक तो इससे क्या होगा ना बिल्कुल वो चारकोल का इफ़ेक्ट आएगा और नहीं तो आप चारकोल का धुआं भी दे सकते हैं बिल्कुल आपकी मर्जी है जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं ठीक है बहुत सारे लोगों के पास चारकोल नहीं होता इसलिए मैं ये मेथड दिखा रही हूँ तो इस तरह से हल्का हल्का सा गोभी के ऊपर जब कल कलर आ जाएगा ना तो बस इस तरह से हमने इसे निकाल लेना है और इसी तरह से यहाँ पर मैंने सारी गोभी को कर लेना है ये देखिए ये इस तरह से हो चुका है और इसमें हमने ये जो मसाले जो भी बच गए हैं ना इसमें चिपके हैं उसे हमने इस तरह से स्क्रेप करके निकाल के गोभी में ही वापस से मिला देना है अभी हम इसे फिलहाल साइड पे करते हैं अब यहाँ पर हम बर्रा के लिए ग्रेवी बनाएंगे तो मैंने सेम पैन ले लिया है क्योंकि इसमें फ्लेवर्स बहुत हैं तो इसलिए मैंने इसे वॉश नहीं किया सेम पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला थोड़ा सा हमने यहाँ पर बटर लिया है वन टेबल स्पून के करीब में अच्छे से जब ये मेल्ट हो जाएगा इसमें हमने ऐड करना है फाइन चॉप किए हुए अनियन देखिए हाफ कप है एक बड़े साइज़ का अनियन मैंने लेके चॉप करा था अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर साथ ही साथ ग्रीन चिलीज ऐड कर लेंगे स्लिट करके उसके बाद इसे हमने अच्छे से थोड़ा सा आ, मीडियम फ्लेम पर पकाना है जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाए और पिंक ना हो जाए थोड़ी देर पकाने के बाद में ये देखिए अनियन सॉफ्ट हो चुके हैं ऐड करेंगे मिल्क हाफ कप क्रीम लेंगे मैंने यहाँ पर लिया है अमूल की फ़्रेश क्रीम हाफ कप ऐड करेंगे और आप घर की बलाई भी ले सकते हैं अगर आपके पास इतना ज़्यादा है तो लेकिन उसे थोड़ा सा फेंट करके स्मूथ कर लेंगे और क्रीम को जब भी ऐड करेंगे लो फ्लेम पर ऐड करेंगे और इसे कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे अदरवाइज़ क्रीम फट जाएगी उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर हमने साथ ही साथ गोभी ऐड कर देनी है जो हमने रोस्ट करके रखी थी और यहाँ पर हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकाना है कि बाकी का ये जो टेन परसेंट है ना ये गोभी हमारी यहाँ पर पक जाए और बस इसे थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं और थोड़ी देर पकाने के बाद में यहां पर आपने देखा कि यहाँ पर ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है एंड में ऐड करेंगे थोड़ा सा चॉप कॉरियडर लीव्स अच्छे से मिक्स करेंगे और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं किस तरह से थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी रखनी है तो बस यहां पर यह हमारा गोभी बर्रा बनकर रेडी है गैस को बंद कर देंगे और चलिए इसे सर्व कर लेते हैं और ये इतनी अमेजिंग सी डिश है ना कि सीरियसली आप एक बार खाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे गोभी मुसलम की रेसिपी मैंने डाली है सब लोग देख रहे हैं पसंद भी कर रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का तो ये भी आप ट्राई कीजिए आपको बहुत पसंद आने वाली है तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को और बिल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस कर लेंगे तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वाली वीडियो के साथ तब तक लिए बाय अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग